एवरीवन डेली ब्लॉगिंग सीरीज डे 119। एवरीवन गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। होप करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो अभी का सीन है, बहुत तेज बारिश हो गई है जैसा कि मैंने आपको नीचे बताया था। सो मैं आ गई थी ऊपर और ऊपर आने के बाद मैंने सब कुछ सेट किया और उसके बाद मैंने कपड़े वपड़े रखे हुए थे उनको पूरा क्या ही किया, वो तो वैसे के वैसे रखे, मैंने कुछ भी नहीं किया। सो मैं आपको दिखाती हूँ सारा सीन। आपको बताएं आज सुबह नहीं पूरी रात बारिश हुई है और अभी भी बारिश हो रही है, तो मैंने उससे मैं आपको दिखा देती हूँ। मतलब ठंडी में और ठंडी, इंसान मर रहा है उसको और भी मार डालो। तो भाई आज बहुत तेज़ बारिश हुई है रात में, ग्वालियर में बहुत ज़्यादा हुई है, बहुत ठंडी। इस बदतमीज सोनम ने मेरे पूरे कपड़े गीले कर दिए, ऊपर रखे हुए थे कुछ कपड़े, तो मैंने कहा इसको उठा देगी ये, तो ये तो कहाँ ही सुनती किसी की यार। बहुत बारिश हो रही है, मैं बारिश में गीली हो रही हूँ, देखो कितनी बदतमीज हूँ मैं, से भीग जाऊँ बीमार हो जाऊँ। सो आग भी जला ली है हम लोगों ने। सो चलिए बस आग पे बैठ गए, एंजॉय करते हैं। आग पे बैठ गए नहीं, आग के बगल से साइड में बैठ के एंजॉय करते हैं। सो बाय बाय गाइस, मेरे साथ एक बहुत बड़ा इशू हो गया है, मैं बताती हूँ आपको। मेरे कपड़े रखे हुए थे बाहर, मुझे पता नहीं था यार, वैसे पता था मुझे कि कल बारिश होगी और मैंने देखा था, बट मेरे साथ ये हुआ ना कि मुझे लगा यार, मुझे ध्यान ही नहीं रहा यार, मैं कुछ नहीं लगा मुझे, तो मेरे पूरे कपड़े रखे हुए थे यार बालकनी में। मैंने ये सूखे हुए थे वैसे, तो मैंने ये बालकनी में रख दिए थे धूप में। सो पता चला कि रात को बारिश हो गई, सुबह भी बारिश हो गई, मेरे सारे कपड़े यार इतनी मेहनत से, मतलब इतने दिन में तो सूख रहे हैं, पूरी बर्बाद गई। अब लाना को मतलब मैं क्या पहनाऊँ, थोड़ा मतलब मोटा टाइप का नहीं है कुछ वॉर्म, तो मैंने उसके कपड़े ना कैसे हीटर पर, देखो कैसे सुखा रही हूँ उसके कपड़े, तो इसमें उसको सर्दी कम लगती है। और बाहर का हाल तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या हो रखा है। बालकनी का क्या ही हाल बन गया, और सर्दी इतनी तेज बढ़ गई है ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या होने वाला है, पूरी बालकनी गंदी हो गई है। सो यहाँ रखे हुए थे मेरे कपड़े, बहुत खराब है इस टाइम मौसम, मतलब कि सर्दी में बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा, जिसके भी छोटे बच्चे हैं यार बहुत ध्यान से रखो। और हीटर चला दिया मैंने, जिससे क्या है थोड़े कपड़े सूख लेंगे, सूखना तो कुछ नहीं है, ये गर्म हो जाएंगे थोड़े से, अब उनका तो कुछ भी नहीं हो सकता। गुस्सा ही आ रही है, सारे कपड़ों को ना मैं पानी में डाल दूं फिर से, बट क्या होगा यार, मेरे लिए काम बढ़ जाएगा और तो कुछ होगा नहीं। अब क्या ही करूँ मैं यहाँ नहा ली हूँ और मैं नीचे जा रही हूँ। सो बस अब मैं नीचे जा रही हूँ, सो बाय। यहाँ कपड़े चेंज करने के लिए उसके लिए कपड़े निकाल लिए हैं और हीटर पे थोड़ा गर्म कर लेती हूँ जिससे उसको सर्दी ना लगे। सो यहाँ डाल दिए मैंने सारे कपड़े हीटर पे और सोच रही हूँ उसको पहना दूँगी, चेंज कर दूँगी, उसको नहलाना तो नहीं है, अभी दो दिन पहले नहलाया था और वैसे भी उसको सर्दी हो रही है तो बिल्कुल भी मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। सो यहाँ लहंगा को सुला दिया, उसके बाद मैंने सोचा मैं क्या बनाऊँ, उसके बाद मैंने सोचा मैगी बना लेती हूँ। सो यहाँ मुझे मैगी के दो पैकेट मिल गए और सोच रही हूँ मसाला मैगी बना लेती हूँ। सो यहाँ मैंने दो पैकेट मैगी ले ली है जो कि बहुत टाइम के रखे हुए थे, क्योंकि मैगी बहुत कम बनती है हमारे घर में, क्योंकि कोई खाता ही नहीं है, क्योंकि प्राची दीदी आ जाती है तो ही मैगी खपती है अधिकतर हमारे घर में। उसके बाद मैंने ये पैकेट ले लिया और सोनम को मैं यहाँ सोनम के मजे ले रही हूँ फुल। और वैसे तो मैगी हम नॉर्मल सादा वाली ही बनाते हैं, लेकिन आज मेरा मन था क्यों ना ऐसे वाले मैगी मसाला वाली बना लिया जाए, तो मैं ऐसी वाली बना रही हूँ। शायद जाना थोड़ी बहुत खा ले, वैसे तो मैं इसको खिलाती नहीं हूँ ये सब चीज़। तो फिर क्या, कढ़ाई रख दी इंडक्शन पे और घी डाल दिया, और उसके बाद मुझे याद ही नहीं रहा कि ये सब चीज़ अभी चॉप्ड करनी है। उसके बाद मैंने लिया एक टमाटर उसके और प्याज और मिर्ची, फिर क्या था बस इनको काटने पर लगे। लेकिन राइस भी बनाए हुए थे और इस लड़की से कहा कि तू खा ले, लेकिन वो उसको पता चल गया कि मैगी बन रही है, तो भाई वो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगा रही है, और इसको मतलब कि ये क्या बोलते हैं मटर के दाने पसंद नहीं है, लेकिन मैंने डाले तब भी ये कह रही है नहीं मैं तो खाऊंगी, बट मैं तो खिलाने वाली तो हूँ नहीं, तो या कितना भी उगर ले। सारी चीज़ मैंने कट कर दी है और ये सिर्फ एक घंटा लगा रही है, ऐसे पता नहीं कौन सा पहाड़ काट रही है, इसका तो मेरे को समझ आते ही नहीं है। और यहाँ मैंने सारा सामान इकट्ठा करके रख लिया, मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, जिसके लिए मुझे भागना पड़े, तो मैंने यहाँ सारी चीज़ें, और मैंने ले लिया मटर दाने। यहाँ मेरी प्याज भुन चुकी है, मैं सोच रही हूँ इसमें सोनम को भी डाल दूँ,
और इसको डालने से क्या पूरी मेरी मैगी का टेस्ट खराब हो जाएगा, तो सोचे तो मैं वैसे ही मिला लेने वाली हूँ। सो यहाँ मैंने सब कुछ रेडी कर दिया, तो बस मैगी डालना रह गया था। उसके बाद डाल दिया मैगी में जो स्पेशल होता है वो है मैगी मसाला। इसके बिना मैगी का कोई मतलब वो ही नहीं है वजू। सो यहाँ दोनों भाई बहन बैठ कर खा रहे हैं चावल। आज सोरे सी भी ब्लॉग में आ गया है, खुशी हो रही होगी, मैं ब्लॉग में आऊंगा भाई ब्लॉग में। ये है ऋषि, ऋषि है सोनम का भाई, सोनम से बड़ा भाई, और रोज डेली आता है सोनम के पास, 10-15 मिनट के लिए आता है लेकिन डेली आता है। क्या ऋषि है ना? और इसी बीच मेरी मैगी बन के रेडी हो गई थी, तो मैंने सोचा परेशान हो गई तो मैगी खा लेती हूँ क्रिकेट खेलने के बाद, तो मैगी का। और यहाँ मैंने सोचा कि आप लोग कहीं गुन्नी को प्राची दीदी को मिस तो नहीं कर रहे, तो मैंने सोचा गुन्नी को मैं आपको वीडियो कॉलिंग चल रहा था तो क्यों ना मैं आपको दिखा दूँ। और यहाँ उसके हाथ में लग गई है उंगली में, सो बस वो बेचारी मजे में खेल रही है, वहाँ गर्मी है। तो यहाँ आ गया था नानू, और नानू आया था बैडमिंटन खेलने, तो हमने सोचा कि ना बाहर बैडमिंटन खेल लेते हैं, इससे हमारी सर्दी भी भग जाएगी, बहुत ठंडी है बॉस, पर खेलेंगे गर्मी आ जाएगी। हाँ बैडमिंटन में, और नानू बहुत सर्दी है, सर्दी में गर्मी आ गई, बहुत टाइम से खेल रहे हैं, तो सोचा आपको भी दिखा देते हैं। चल ये लो ये लो ये लो, क्या है अमेरिका।
मैंने आपको बताया था ये गाना मैं जो गुनगुना रही हूँ मोई मोई वाला, इसमें मैंने और नानू ने आज रील्स बनाई है। अगर आपको देखना है तो प्लीज इंस्टाग्राम मेरी आईडी पर जाओ और उसको देख लेना। बहुत दिन से सोच रहे थे हम दोनों। बुआ जी कह रही है ले आना ले जा, वो तू तुम दे रही है जाडा नहीं हो बिटा लो, जाके बैठ गई थी पूछ लो यही सामने। अब बोलो कुछ क्यों ब्लॉक के चक्कर में, तो वो तो नानू से पूछ लो आप। सब्जी 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 गई गई नहीं अंदर, बाहर से आ गई है, बाहर बैठ गए बाद में। तो यहाँ मैंने सोनम की और मम्मी की लड़ाई करा दी, कोई बात नहीं थी, मैंने ऐसे ही मन से बना लिया सारी बातें। जाके कह रही थी वहां जाके कि भाभी बुआ तो ये कह रही है ले आ जाते घर पे ले जा, यूदम कर रही है बिना मतलब का, और जाके बाहर जाके बैठ गई। घर आके पता चला हंगामा हो गया कि मैंने नहीं कहा जे लड़की ना मैं ध्यान ना ये मैं ये लाया था पतंग, ये तो 20-20 वाली है, ये बड़ी बड़ी वाली है और ये छोटी छोटी वाली। चार लेके आए अच्छा संक्रांति के लिए। हाँ तो भैया मुझे तो उड़ाना ही नहीं आती। हाँ उस दिन मुझे भी बुला लियो। हाँ ये दो छोटी छोटी वाली छत पे। सो भैया आज इतना फॉग है ना कि मैं क्या ही बताऊँ, एकदम देख कुछ भी नहीं दिख रहा, पूरी रोड एकदम बंद हो गई है। ये भगवान इतना ज्यादा वाला। सो मैं आ गई हूँ घर, आज रात को ना इतना फॉग है ना, इतना फॉग के कुछ भी नहीं दिख रहा, केवल घर के अलावा बाहर का तो बिल्कुल भी नहीं एकदम। देखो ओ भाई शाबाश क्या ही होगा, बहुत सर्दी आज।